नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की। हरियाणा में सरकार बनने के बाद भाजपा विधायक दल के नेता नायब सिंह सैनी लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ ली। गुरुवार को हरियाणा के पंचकुला में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित देश भर के तमाम बड़े दिग्गजों की मौजूदगी में नायब सिंह सैनी ने शपथ ली। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नायब सिंह सैनी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान सैनी के मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी शपथ ली। प्रदेश में गुलाबी सर्दी ने अब अपनी दस्तक दे दी है। पिछले दिनों बदले मौसम के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही बादलों की आवाजाही के चलते अब दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इस दौरान दिन और रात के तापमान में करीब 3 से 4 डिग्री तक गिरावट होने के साथ ही गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क बना रहने के साथ ही दिन और रात के तापमान में अभी और गिरावट दर्ज की जाएगी। साथ ही और सुबह और शाम को हल्की गुलाबी सर्दी भी लोगों को राहत देती हुई नजर आएगी। राजस्थान में साफ विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की घोषणा हुए अभी 2 दिन का समय ही हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर अवैध नकदी की बरामद की धरपकड़ कार्रवाई भी शुरू हो गई है। 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले दौसा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। सदर थाना क्षेत्र के भंडारेज मोड़ नाके के सामने रात करीब 10:30 बजे पुलिस ने गाड़ियों की जांच कर रही थी। पुलिस ने झुंझुनू के एक व्यापारी की ब्रेजा कार से नोटों से भरा बैग बरामद किया। गाड़ी हरियाणा नंबर की थी। कारोबारी जयपुर से गुरुग्राम की तरफ जा रहा था। नकदी के साथ ही 2-2 करोड़ रुपए के 2 चेक भी मिले हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा महिला शिक्षिकाओं द्वारा उनके पहनावे को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद वो बैकफुट पर आना पड़ गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक कार्यक्रम में मन से बयान देते हुए कहा था कि शिक्षिकाएं स्कूल में अर्धनग्न आती हैं, कम कपड़े पहनती हैं, जिसके बाद विवाद बढ़ गया था। अब शिक्षा मंत्री अपने बयान से पलटते हुए कहते हुए नजर आए कि मैंने तो अर्धनग्न शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, मेरे कहने का भाव कुछ और था। RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने उपचुनाव को लेकर अपने पत्ते खोल दिए हैं। हनुमान बेनीवाल ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि अगले 1-2 दिन में कांग्रेस से गठबंधन को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी। अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस से राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की मांग की जाएगी, और अगर गठबंधन नहीं होता है तो RLP 3 से 4 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने BJP को चुनौती देते हुए हार से जवाब देने की बात कही। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयानों और आए दिन आदेशों के वापस लेने पर कांग्रेस इस समय दिलावर पर हावी होते हुए नजर आ रही है, तो वहीं अब शिक्षा मंत्री ने भी कांग्रेस के साथ ही PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर पलटवार किया है। दिलावर ने बयान दिया है कि वो कांग्रेस की तरह नहीं है जो 5 रुपए से लेकर 1-2 करोड़ रुपए तक लेते हैं, आतंकवादियों को सम्मान देते हैं, वह प्रदेश को लूट कर खा गए हैं, जनता के साथ जाति की है, बलात्कारियों का सहयोग किया है। दिलावर ने डोटासरा को निष्कष्ट की उपाधि भी दे डाली। हनुमानगढ़ जंक्शन के सतीपुरा रेलवे फाटक पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज जिला प्रशासन और नागरिकों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। पिछले 7 सालों से बन रहे इस ओवरब्रिज पर अब जिला प्रशासन ने पंजाब हरियाणा मार्ग बंद कर दिया है, जिससे वाहन चालकों को कई किलोमीटर घूमकर शहर के अंदर से निकलना पड़ रहा है। वहीं सतीपुरा के दुकानदारों ने भी ग्राहक की प्रभावित होने की बात कही है, और इस संबंध में दुकानदारों ने आज हनुमानगढ़ विधायक और जिला कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। SI भर्ती का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। कमेटी द्वारा रिपोर्ट CM को सौंपने की बात कही गई है, तो वहीं अब मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से लौटने का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इस बीच अब राजस्थान में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लग चुकी है। ऐसे में भजनलाल सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि इस भर्ती का फैसला कैसे लिया जाए, क्योंकि इस भर्ती पर फैसला सीधे उपचुनाव को प्रभावित कर सकता है। तो वहीं दूसरी ओर जानकार सूत्रों की माने तो सरकार इस भर्ती को रद्द करने के मूड में नजर नहीं आ रही है। हनुमानगढ़ जिले की MMK नहर के किसानों ने आज सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता से मुलाकात की और MMK नहर में पानी देने की मांग रखी। इस दौरान किसानों ने कहा है कि 12 अक्टूबर को नहर टूट गई थी, जिस कारण 2 दिनों तक नहर के अंतिम छोर के किसानों को सिंचाई पानी नहीं पहुंचा, जिससे उनकी फसल बर्बाद हो रही है। किसानों ने कहा है कि किसानों को 2 दिन की पानी की भरपाई की जाए, किसानों को आर्थिक नुकसान न हो, और अगर किसानों को सिंचाई पानी उपलब्ध नहीं होता है तो किसान आंदोलन करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली नगर निगम के 607 सफाई कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने 607 कर्मचारियों को पक्की नौकरी का पत्र सौंपा। साथ ही कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार के 10,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को पक्का किया है। साथ ही कहा कि MCD के आने के बाद उनका वादा पूरा किया गया है।
तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।